ये दोस्तों स्वागत है आपका क्लासिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आकाश जाधव। आज आपसे कुछ आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो आईटी रिलेटेड होगी। आईटी रिलेटेड मतलब जो भी आईटी इंडस्ट्री में क्वेश्चंस, मोबाइल इंडस्ट्री में क्वेश्चंस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल के बारे में आपको एग्जाम्स के लिए हेल्प होगी। जो भी आप फ्यूचर में एग्जाम्स देना चाहते हो उनके लिए भी हेल्प होगी। हर दिन में 10 क्वेश्चन की मतलब हर एपिसोड में 10 क्वेश्चन की मैं डिस्कशन करता रहूंगा। तो यहाँ पर विदाउट एनी डैमेज हम पहले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हु इज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जो भी आजकल गीगा फाइबर, जो भी आजकल जियो यूज कर रहा है, उसका फादर कौन है, मतलब फर्स्ट इसने किन्होंने इसको इन्वेंट किया। तो यहां पर मेरे को आंसर बताने में फक्र की बात होगी, वो है जो हमारे इंडियन है नरेंद्र सिंह कपानी। तो दोस्तों इन्होंने हमको मतलब किसी को भी पता नहीं है इंडिया में, ये बहुत ही अंडररेटेड है। पहले भी इस फाइबर ऑप्टिक्स केबल का इन्वेंशन किया था, लेकिन जो भी इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही थी, जो भी आउटपुट में उतनी खास नहीं थी, लेकिन जब भी इन्होंने बनाया तो उनको फादर ऑफ क्या फाइबर ऑप्टिक्स को घोषित किया गया। और इनके बारे में हम अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1926 में। इनका अभी तक का एज है 92, ये अभी तक जीवित है। और दोस्तों इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई की है। तो इनको एक द एक्सलेंस ऑफ 2000 इनको अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों बस अगर आपको पता चल गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट सोशल नेटवर्क, मतलब जो भी सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, कौन सा फर्स्ट सोशल नेटवर्क है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है और रिलीजन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, फर्स्ट रिलीजन लैंग्वेज का सोशल नेटवर्क। अगर आपको एक आइडिया आ गया होगा, बस यही होगा, तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, शेयर चैट। जी हाँ, आपने अगर सोचा है तो सही सोचा था, शेयर चैट इसका आंसर है, जो फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट लॉन्च हुआ जो रिलीजन लैंग्वेज के साथ हुआ। और इनका सीईओ है अनुष्का सचदेवा, जो 2017 से सीईओ की पोस्ट मैनेज कर रहे है। और इनके जो फाउंडर्स है, मतलब फाउंडर्स है इनके भानु सिंह और फरीद अंसान, इनके मतलब इनके फाउंडर्स है। और यहाँ पर आपको इसका हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। हाँ जी हाँ, बेंगलुरु में इस शेयर चैट का क्या हेडक्वार्टर से। अगर आपको इस दो क्वेश्चंस के बारे में कुछ तो आइडिया लग गया हो तो तीसरे क्वेश्चंस के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरस्पेस स्टार्टअप, मतलब एयरोस्पेस स्टार्टअप कौन सा था। दोस्तों यहाँ पर आंसर बताता हूँ मैं, टीम इंडस, इनका जो एम था टीम इंडस, जो एयरस्टार स्टार्टअप स्टार्ट करने वाली थी, जो एक टीम है उसका नाम है इंडस, इसका कंप्लीट नाम हो गया टीम इंडस। इनका बस एम ही था गूगल का लोनार एक्सप्राइज जीतना। ये क्या है गूगल का लोनार एक्सप्राइज? दोस्तों एक्सप्राइज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो स्पेस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करती है, और जो भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है उसको डायरेक्ट गूगल और गूगल स्पॉन्सर कर लेता है। इसीलिए जो इनका टीम इंडस का बस एक ही एम था, क्या गूगल का जो 2007 में अनाउंस हुआ था गूगल का लोनार एक्सप्राइज को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पता चल गया होगा तो स्पेस जो भी गूगल एक्स लोनार कुछ तो आपका आइडिया आ गया होगा मेरे क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कुछ प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, 4 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए है। तो यहाँ पर देखिए, हु इज द फादर ऑफ द जावा। दोस्तों जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप डिजाइन कर सकते हो, कुछ जावास्क्रिप्ट हो गया, जावा एक बेस लैंग्वेज है, आप इससे ऐप भी रेडी कर सकते हो, इससे गेम्स छोटे छोटे गेम्स भी रेडी कर सकते हो। तो कौन है इस जावा का फादर? दोस्तों आंसर है जेम्स गॉसलिंग, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जेम्स गॉसलिंग मतलब एक अमेरिकन है और इनका एज है 64 ईयर्स, और इनका जन्म हुआ 1955 में, 62 ईयर्स अभी तक जीवित है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ CSS? CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो भी HTML के साथ। हाँ जी, आपने सही सुना, HTML प्रोग्रामिंग आता है ना, HTML एंड CSS जो बैकएंड फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है, उनका फादर है। दोस्तों जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है हैकॉन व्योम लाई, इनका फादर का नाम मतलब CSS का फादर का नाम हैकॉन व्योम लाई है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है फादर ऑफ सेलुलर फोन, हु इज द फादर ऑफ सेलुलर फोन? तो यहाँ पर आंसर है मार्टिन कूपर। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म हुआ December 26, 1926 में, इनका एज है 90 और शिकागो में पढ़े लिखे है। शिकागो में ए मार्टिन कूपर फर्स्ट कॉल लगाया उन्होंने, इसीलिए मतलब जो भी मोबाइल सेलुलर फोन होता है ना उससे फर्स्ट कॉल लगाया उन्होंने, इन्वेंट किया सेलुलर फोन को, इसलिए उनको फादर ऑफ सेलुलर फोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन के बारे में बात पूछ, इंडिया के रिलेटेड है, फादर ऑफ इंडियन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कौन? दोस्तों इंडियन IIT आप इंडिया में बहुत सुनते हो IIT, लेकिन इनका फादर कौन है, जो इनका बेस था, इनको सॉफ्टवेयर फादर भी कहा जाता है, विद इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का फादर भी कहा जाता है।
जाता है उनका आंसर होगा आपको जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है फकीर चंद कोहली। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, फकीर चंद कोहली है IIT के फादर ऑफ इंडिया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन निकल के आता है विच इज वन ऑफ सर्च इंजन, मतलब कौन से सर्च इंजन फर्स्ट इंटरनेट पे सर्च इंजन आपको मिला, तो इसका नाम है आर्की आर्ची। आप कौन सा भी स्पेलिंग प्रोनाउंस कर सकते हो, ARCHIE। दोस्तों एक सर्च इंजन था, इनको बनाया अलान इम्टेक ने, इनको अलान इम्टेक ने 1990 में फर्स्ट डे सर्च इंजन बनाया उन्होंने, तो यही था फर्स्ट सर्च इंजन, वेब सर्च इंजन। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1024 बिट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, 1024 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, डायरेक्ट मतलब जो भी आपके सोच रहे हो डायरेक्ट आपका आंसर होगा 1 बाइट, लेकिन नहीं दोस्तों 128 बाइट। नहीं पता तो आपको एक चार्ट देख लीजिए जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, अगर आपने देखा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के और लास्ट क्वेश्चंस के 10th क्वेश्चंस के और बढ़ता हूँ। 10th क्वेश्चन यहाँ पर आपको, कंप्यूटर हार्ड डिस्क फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय 1956, लेकिन किस कंपनी ने किया। यहाँ पर एक क्वेश्चंस में भी एक आपको आंसर मिलेगा, क्वेश्चन में भी एक आपको नॉलेज मिलेगा। 1956 में कंप्यूटर हार्ड डिस्क को इन्वेंट किया गया और जो किसी ने पहले इंप्लीमेंट किया, तो इसका आंसर है IBM। जी हाँ दोस्तों IBM। इसका साइज था 2 रेफ्रिजरेटर के बराबर इसका साइज था और इसका जो वेट था 1 टन तक था। तो दोस्तों अगर आपको कुछ 10 क्वेश्चन के बारे में कुछ तो आइडिया लग गया हो तो नीचे वाला रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, जो बाद में बेल आइकन आते हैं उसी को भी दबा देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए अलविदा।